सो हे गाइस, फाइनली आप देख सकते हो अपना आयरन फार्म बिल्कुल रेडी है। देखो यार, इस आयरन फार्म को बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है मेरी, और वो मेहनत मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको माइनक्राफ्ट का मतलब ये जो आयरन फार्म मैंने बनाया ना बिल्कुल वर्किंग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए उसकी जो मैं वीडियो बना हुआ ना मतलब इसको कैसे बनाते उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वो सारे वर्ल्ड। कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 तो वर्ल्ड चेंज किए थे मैंने अलग अलग वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद पता नहीं 10 से 15 अलग अलग आयरन फार्म बना के मैंने देख रखा है, लेकिन भाई एक भी आयरन फार्म वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे लेकिन आयरन फार्म वर्क ही नहीं कर रहा था। लेकिन फाइनली कुछ 4-5 दिनों की मेहनत के बाद में, मतलब हफ्ते भर की मेहनत के बाद में अपना आयरन फार्म बिल्कुल रेडी है। और देखो, आपको YouTube के ऊपर वीडियो तो काफ़ी सारी मिल जाएगी माइनक्राफ्ट आयरन फार्म से रिलेटेड, लेकिन भाई मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि वो सारे लोग ना वो जावा एडिशन में बना के बताते हैं आपको, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर वो वाले आयरन फार्म वर्क करते ही नहीं है। और यार फाइनली अपना ये वाला आयरन फार्म वर्क हो चुका है, मतलब अच्छे से काम करता है, हर 10-15 सेकंड में एक नया आयरन गोलम स्पॉन हो जाता है और अपने को काफ़ी अच्छे से आयरन दे देता है वो। अब यार मैं आपसे एक चीज़ कमेंट करके पूछूंगा, मतलब कमेंट करने के लिए पूछूंगा कि प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि अगर आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो, ओब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पॉकेट एडिशन ही खेलते होंगे, तो क्या आपने अपने मतलब वर्ल्ड के अंदर एक आयरन फार्म बना रखा है, और अगर बना रखा है तो क्या वो वर्क करता है या फिर नहीं। अगर वो वर्क करता है तो मुझे बताना ज़रूर से, और अगर नहीं करता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो इसी आयरन फार्म की बनाऊंगा और ये 120% मतलब वर्क है। ठीक है, इसमें 10-15 सेकंड में आयरन गोलम स्पॉन हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है आयरन गोलम। ठीक है, और मैंने बता ही दिया आपको कितने आयरन थे यहाँ पे, तो हाँ